हेलो नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके बहुत ही प्यारे चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के बारे में देख रहे थे, जिसमें से अभी जो है जीके में देख रहे हैं वन लाइनर के रूप में हिस्ट्री को। और हिस्ट्री में अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है हड़प्पा काल, और हड़प्पा काल का आज अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। यानी मैंने 15 75 75 यानी 75 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अभी जो है फिर 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी 90 क्वेश्चन टोटल। और इससे जो है बहुत ही मतलब गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ इतना तो है कि इससे बाहर के क्वेश्चन आना काफी मुश्किल है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं करवा दिया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आज का वीडियो अंतिम वीडियो होगा। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 76 के बाद जो है नंबर अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो था वो था लोथल। कौन था? लोथल। लोथल कहाँ है? तो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में किसमें मिलता है। तो हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में जो है वो भी लोथल से मिलता है। कहाँ से? लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मृण पटिका का उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति में कहाँ से प्राप्त हुई है। तो प्राप्त हुई है आपका लोथल से ही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से चावल के प्रमाण मिले हैं। तो आप लोग को एक चीज बताएंगे, तो जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो आप लोगों को कमेंट में बॉक्स में डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति में कहाँ से चावल के प्रमाण मिले हैं। तो मिले हैं लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोर्दी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ था। तो डोकिया जो जुड़ा हुआ था वो था भगुआ नदी से जुड़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्राक हड़प्पा यानी प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित था। तो वो था कालीबंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पर विशिष्ट प्रकार के अग्नि कुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है। तो पता चलता है धार्मिक स्नान की व्यवस्था और अग्नि कुंडों का वो कालीबंगा से ही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा और किस स्थान उसी स्थान पर किस स्थान पर खोजी गई अग्निविधि से सिद्ध होती है। तो वह प्राप्त होती है कालीबंगा से ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पन कालीन स्थल गुजरात में पाया गया था। तो गुजरात में पाया जाने वाला हड़प्पन कालीन स्थल और एक लोथल भी है और यहाँ पर एक है सुरकोदता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थल पर हड़प्पन संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था। तो घोड़ा का ज्ञान जो था हड़प्पा संस्कृति में वह सुरकोदता का था ही। कहाँ का? सुरकोदता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपको बता दिए कि घोड़े का ज्ञान कहाँ था? सुरकोदता में। तो कहाँ से प्राप्त होंगे? तो सुरकोदता और कालीबंगा दोनों स्थान से प्राप्त हुए हैं घोड़े के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चन्हुदरों के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था। तो चन्हुदरों का उत्खनन का उद्देश्य निर्देश जो है वह जे एच मैके ने दिया था। कौन? जे एच मैके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा का मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के प्रतात्विक खुदाई का प्रभारी कौन था। तो वो थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, यही एक तरह से मान के चलिए भारत में जो ASI अभी है तो यही खोज किए हुए, यही एक तरह से चालू किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर देखा जाए तो आज का वीडियो अगर यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन बच जाएगा। यानी 15 क्वेश्चन का वादा किए थे, लेकिन आगे चलते हैं तो 15 6 90 तो ऐसे खत्म हो जाता है, लेकिन 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल से रखता है। तो रखता है प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। तो ये थी मृतिका पात्र के साथ शरीर के विस्तारित सावधान। ठीक है,
यानी जो अगर आप जो मतलब जो खाना वाना खाता था वो पात्र के साथ उसका शरीर को एक तरह से मतलब एक जो जमीन में ही दफना दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों के सर्वाधिक केंद्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है, तो वह प्राप्त हुआ है घग्गर और हाकरा के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडा का प्राथमिक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर के चिन्हित करता है वह कौन सा है, तो वह है चिनाब रिवर। कौन? चिनाब रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल जो था वह था 2250 से 1750 ईसा पूर्व। कब? 2250 से 1750 ईसा पूर्व। इसमें नहीं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे घटता है 2250 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है निवासा से। ठीक, उसके बाद है कि मुद्रों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने किस पर प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं मृदभांडों पर। किस पर? मृदभांडों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का किस रंग का प्राप्त होता था, मतलब किस रंग का उपयोग होता था हड़प्पा कालीन बर्तन में, तो वो था लाल। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग के चूड़ी, लेकिन कोई चूड़ी प्राप्त नहीं हुआ था काले रंग के, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिट्टी पर अगर बर्तन अधिक से किया तो काले रंग का पड़ जाता था, इसलिए कालीबंगा नाम दिया गया हड़प्पा कालीन। लेकिन मैक्सिमम उस समय में जो प्राप्त होता था बर्तन वो कैसा होता था, तो लाल कलर का होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे बीबी लाल। बता रहे थे बीबी लाल बताते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य, आर्य यानी जो ऋग्वेद में जो बाहर कहा जाता है कि बाहर से आए थे, तो इनका मानना है कि ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बीबी लाल। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और टोटल हमने 100 क्वेश्चन हड़प्पा कालीन सभ्यता से कर चुके हैं। अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सबका आपका प्लेलिस्ट में रखा हुआ है वीडियो डेली कॉन्स्टेबल वाला में, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और दिल्ली पुलिस का जमकर तैयारी कीजिए। बाय, टेक केयर।